हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एरियस क्लब। शुरू करेंगे इंडिया वीक्स के साथ में, जहां पे लगभग आपको 1.67% का फॉल देखने को मिल रहा है। 19.98 या वो ऐसा बोलने की 20 के आसपास में इंडिया वीक्स काम करते हुए फिलहाल के टाइम पे दिख रहा है। निफ्टी की बात करें 16,584 पे 43 पॉइंट्स की गिरावट है, लेकिन जहां से ये गिरावट हुई है वहां से अगर आप नज़र डालें तो अच्छी खासी फॉल की आप बात कर सकते हैं। बैंक निफ्टी लगभग 35,275 पॉइंट्स का फॉल देखने को यहां पे मिल रहा है। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों ही प्रीमियम में काम कर रहे हैं, हालांकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है। निफ्टी के अंदर में आपको लगभग प्रीमियम 14-15 पॉइंट का देखने को मिल रहा होगा, माफ करें 17 पॉइंट्स का है। बैंक निफ्टी के अंदर में लगभग 86 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट के अंदर में ऊपर के लेवल पे दबाव अभी भी देखने को क्लियर कट मिल रहा है। बात कर लेते हैं प्रोग्राम की, जो हमने शुरू किया था कि 50,000 रुपीज़ से हम चालू करेंगे ऑप्शन बाइंग की बात करें, तो फंड्स इसके अंदर में मैंने लगभग 51,000 रुपीज़ का इस पर्टिकुलर अकाउंट में फंड्स डाला था। कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस, लेकिन ओवरऑल 49,633 फिलहाल दिख रहा है। सेटलमेंट अभी तक हुआ नहीं है। लगभग 50,000 से 55,000 के आसपास का फंड होना चाहिए मंडे मॉर्निंग को इसके अंदर में। कुछ ट्रेड्स जो 300-400 रुपए के लॉस में गए, एक ट्रेड हमने TCS का लिया हुआ था वो बढ़िया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाटा कम्युनिकेशन के एक ट्रेड के अंदर में लॉस उठाना पड़ा हमें। कोई गल नहीं, थोड़ा अभी संभाल के चल रहे हैं। ऑप्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेड नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में है। उसके बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में भी ट्रेड लेना चालू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी के अंदर में मंडे से ट्रेड चालू करेंगे। ओवरऑल अगर ये फॉल के रीज़न को समझने की कोशिश करें तो वो अभी भी एक ही तरह से आ रहा है, और वो है FII की सेलिंग। 3,770 करोड़ रुपीज़ के आसपास की सेल, डेफिनेटली एक बड़ा नंबर है ये। और निफ्ट DII लगभग 2,360 करोड़ की बाइंग करते हुए नज़र आया है। जो निफ्टी ने हाई लगाया वो लगभग आपका था 16,793 यानी 16,800 के आसपास का हाई पॉइंट। लो पॉइंट जो था लगभग 16,567 यानी जो क्लोजिंग हुई है लो पॉइंट के आसपास की हुई है। ऊपर से 16,800 की बात करें तो लगभग 200 जो क्लोजिंग है 16,584 तो लगभग 216 पॉइंट का फॉल ऊपर से देखने को हमें मिल रहा है। कैंडल पे नज़र डालें तो कैंडल आपको डेफिनेटली नेगेटिव कैंडल देखने को मिलेगा। हायर हाई हायर लो पैटर्न अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन ऊपर की तरफ में ये जो क्लोजिंग चाहिए थी 16,700 के ऊपर की वो आते हुए नज़र नहीं आई हुई है। सो इस पर्टिकुलर कैंडल को फॉलो करें तो एक बार 16,500 का लेवल ईजिली देखने को आपको मिलेगा। चांसेस भी हैं SGX निफ्टी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई है वो एक बार शॉर्ट कवरिंग करने को आए, जिसके चलते हुए आपको निफ्टी 16,800 के नीचे मंडे को जाते हुए नज़र आए। क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके सामने 16,400 का होगा। ऑप्शन चैन पे इसे एक बार समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये टूटा और इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है 16,400 के नीचे की अगर क्लोजिंग मिल जाती है सो आप फिर से एक बार 16,150 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। क्या करें ट्रेड इन केस अगर 16,500 के नीचे की ट्रेड कंटिन्यू होती। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल ये 16,450 का, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से लास्ट टाइम हमने यूटर्न लिया था, अगर इसे तोड़ देते हैं 16,450 के लेवल को अगर हम तोड़ देते हैं सो ज़्यादा चांसेस है कि आप एक बार नीचे के लेवल्स पे जाते हुए नज़र आए, क्योंकि अगला सपोर्ट जो है मैं इस लेवल को नहीं मानूंगा। अगला सपोर्ट ये जो गैप बना था लगभग 16,370 के आसपास देखने को आपको मिल सकता है। 16,400-470 एक आपको सपोर्ट लेते हुए नज़र आ सकते हैं। सो क्या करें, अगर ट्रेड इनिशिएट करना है एक बार आपका नज़र होना चाहिए इंडिया वीक्स के ऊपर में। अगर इंडिया वीक्स के अंदर में आपको बढ़त देखने को मिल रही है तो ये ट्रेड डालें। इंडिया वीक्स फ्लैट काम कर रहा है तो इस ट्रेड के ऊपर मैं काम कह सकता हूँ। वो ट्रेड क्या बनेगा, 16,400 से 16,370 के बीच में एक बार अगर निफ्टी मिले तो 16,400 का कॉल ऑप्शन लेके काम कर लीजिए एक बार। स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आपको ये पर्टिकुलर 16,300 के आसपास आएगा तो 16,280 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाते हुए दिखा तो 16,500-16,600 एक बार ट्यूजडे तक देखने को मिल सकता है। लेट्स से नीचे की तरफ मार्केट आता है और 16,400 के नीचे की क्लोजिंग दे रहा है, दो आई एम सेइंग कि 16,370 के आसपास में एक सपोर्ट है आपको देखने को मिलना चाहिए, लेकिन अगर क्लोजिंग मिल रही है और साथ में इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है तो एक
पुट लेना बनता है 16,300 का, पुट ऑप्शन लेके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस लगेगा लगभग 16,430 के आसपास में। नीचे की तरफ में टारगेट 16,200, 16,150 का एक बार बनते हुए नजर आ सकता है। क्यों बोल रहे हैं ऑप्शन चैन पे, आपको थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऑप्शन चैन पे नजर डालेंगे तो ऑप्शन चैन के ऊपर में जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है, लेट्स टॉक अबाउट पुट, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे गया था तो हम पुट के बारे में बात करते हैं। अगर आप 16,300 पे नजर डालें, ये रहा लगभग 76,100 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। एट द सेम टाइम 77,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिला 16,500 पे, यानी कहीं ना कहीं 16,300 पे थोड़ा बहुत ज़्यादा है। और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो आपको बिल्डअप देखना चाहिए 66, ओके ये 16,300 पे ही है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,300 पे ही बना हुआ है अभी तक। सो 16,300 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कॉल साइड की बात करते तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आते हुए नजर आया है, जिसके चलते हुए आप 17,000 पे, पहले तो 93,677 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 89,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 16,800 पे, एंड 16,600 पे लगभग आपको 50,411 का, यानी 16,800 जो हाई बनाया था वहाँ पे आपको एक मजबूत राइटिंग होते हुए नजर आई, 55,000 लॉट का एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दोनों तरफ अगर आप देखें, सिंस मार्केट ऊपर भी गया था नीचे भी वोलाटाइल हुआ था, तो आपको चारों क्वाड्रेंट के अंदर में शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आए, लेकिन उसके अंदर में अगर सबसे ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप कहीं हुआ है तो वो 16,800 है, यानी इस सीरीज के लिए एटलीस्ट ऐसा माना जा रहा है कि 16,800 शायद क्रॉस ना हो। और मंडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, एक क्लोजिंग आपको 16,400 की मिल जाए, सो 16,500 पे बिल्टअप होते हुए आपको नजर आ सकता है। 16,400 के नीचे जाने के बाद में थोड़ी बहुत आपको यहाँ से अनवाइंडिंग भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। इनकेस 16,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिली तो उल्टा समझ के चलिए, ये 16,600-700 तक एक बार मार्केट रैली कर सकता है। तो बड़ी क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी मंडे की। बैंक निफ्टी की बात करें, निगेटिव कैंडल, पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश हो रही थी। निफ्टी पे नज़र डालें, निफ्टी थोड़ा सा आपको निफ्टी भागते हुए नज़र आ रहा था, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी, थोड़ा सा यहाँ पे भागते हुए नज़र आ रहा था, थोड़े ग्रीन कैंडल बन रहे थे, पर बैंक निफ्टी की छोटे छोटे बॉडी बन रहे थे। पर जब रिकवरी हुई है, आई मीन टू से जब प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो 36,000 के आसपास जाके नीचे की तरफ लगभग 35,175 का लो भी बनाते हुए नजर आए। इस पर्टिकुलर कैंडल ने पिछले 3 दिन के प्रॉफिट, या ऐसा बोले जो 3 दिन का लेबल बन रहा था, मैं इस पर्टिकुलर डे को निकाल रहा हूँ यहाँ से, नहीं तो एक और दिन आ जाता था, पिछले 3 दिन के लेबल्स को तोड़ के नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, जो डेफिनेटली नेगेटिव माना जाता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है? 34,700 से लेके 34,600 के बीच में। इन केस अगर मिलता है बैंक निफ्टी तो वहाँ पे एक ट्रेड बनाना बनता है। लेबल्स फिर से देख लीजिए, 34,800 के आसपास में 34,600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के एक बार काम करना चाहिए। लेट मी राइट इट, इन केस मार्केट नीचे की तरफ 34,800 के आसपास जाता है, सो एक बार कॉल ऑप्शन लेके आप काम कर सकते हैं। 34,600 के पुट ऑप्शन, 34,600 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और जो आपका टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ में वो एक बार 35,200 के आसपास बनता हुआ नज़र आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर आपका इंडिया विक्स के अंदर में किसी भी तरह का गेन देखने को नहीं मिल रहा तो ये काम करेगा, नहीं तो 34,800 के नीचे अगर जाते हैं तो 34,800 का पुट ऑप्शन सेल बाय कर लीजिए, 34,800 का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो स्टॉप लॉस होगा लगभग 35,030 के आसपास का, और जो नीचे की तरफ टारगेट बनेगा वो 34,100 के आसपास का टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी में, इन केस अगर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी ज़्यादा होते हुए नजर आती है तो। क्लोजिंग अगर 35,000 के ऊपर की मिल गई हमें, अगली क्लोजिंग 35,150 टू बी स्पेसिफिक, अगर उसके ऊपर की मिल गई सो एक पॉजिटिव क्लोज के लिए, एक पॉजिटिव रैली के लिए मंगलवार को भी तैयारी हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चैन देख लीजिए, क्यों ये लेवल्स निकल के सामने आ रहे हैं। कॉल साइड में बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए नजर आ रहा है, राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। लेवल कौन सा है? लेवल है 36,112,708 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। आप अगर बैंक निफ्टी में, अगर निफ्टी में नजर डालेंगे तो इतना लॉट ओपन नहीं दिखेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में इस बार दिख रहा है। सो बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है बैंक निफ्टी में आपका बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए नजर आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर में। इसके अलावा 35,000 पे नजर डालिए, 88,046 लॉट का 35,500 पे लगभग 88,046 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है।
पुट साइड में नजर डालेंगे तो पुट साइड में आपको 35,500 पे 53,793, लेकिन 35,000 पे 54,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, और थोड़ा सा और नीचे जाए 34,500 पे आपको 61,822 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, यानी ये सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 34,500 पे, और ऊपर की तरफ में 36,000 वो लड़ाई मार्केट अभी भी होने के चांसेस बनते हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट 34,500 की तरफ आते हुए दिख रहा है, ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस अब क्लियर कट 35,500 और 36,000 में बैंक निफ्टी में दिख रहा है। ट्रेड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा इंडिया विक्स पे नज़र डालिए, वो ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होते हुए आपको और नज़र आ सकता है। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा, एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे, होप आने वाला वीक आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और खूब सारा पैसा कमाए, गुड नाइट।